Student, welcome to the physics 2020. Today we will learn the one problem related with the kinematic equation. The problem is given: a ball is to be thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storage building. एक बॉल को फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ठीक है, अपवार्ड फेंका जाता है. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25. जो बॉल फेंका जाता है, जिस पॉइंट से फेंका जाता है, उसकी ग्राउंड कितनी है? 25. इसका मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो हाइट 25 मीटर दिया हुआ है. तो एंड हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितना ऊपर तक जाएगा उसके बारे में बताना है. हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक उसको बॉल को पहुंचने में, ठीक है, तो उसको आपको टाइम पता करना है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है. इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की आपको जो है ना हाइट है, हाइट आपको दिया हुआ है एक्स मीटर, ठीक है. और ये यहाँ सपोज मान, हाँ, बॉल जो है यहाँ से आपको यहाँ से फेंका जाता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स फेंका जाता है. तो बॉल यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक आता है, देन उसके बाद ये आपका बॉल जो है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आने लगता है, ठीक है. फिर आपको यहाँ पर बॉल फाइनली यहाँ पर आकर के ग्राउंड में आकर के ये रेस्ट कर जाता है, ठीक है. ये बिल्डिंग की सपोज मान लो हाइट है, मैंने इसकी हाइट को एक्स नॉट मान लिया है, ठीक है, एक्स नॉट मीटर है. और ये तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, तो कितनी हाइट तक जाएगी, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, तो पहले हमको एक साइन कन्वेंशन लेना होता है. हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी आप प्रॉपर्टीज़ लेंगे, जो भी आपका वेक्टर्स होंगे, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी आपका वेक्टर होगा उसकी वैल्यू आप निगेटिव लेंगे, ठीक है. तो यू आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ आपका 0 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहा था ये फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है. इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड से रेफरेंस मान लिया, यहाँ से हमने रेफरेंस फ्रेम ले लिया, ये आपका रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है. ये आपका रेफरेंस फ्रेम हमने यहाँ से मान लिया हुआ है कि ये रेफरेंस फ्रेम है, ये आप उसको ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो काइनेमेटिक्स का जो थर्ड इक्वेशंस हैं उसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे. पहले आप देख लो यू क्या कितना दिया हुआ, यू लिख लीजिए आप, यू इजकल टू प्लस ऑफ 20, यू इजकल टू प्लस ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. फिर आपको फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. एसेलरेशन इज गिवन दिस इज द माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ कि एक्सेलरेशन जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है. तो आपका जो काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हो आप यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax या s जो भी है, क्योंकि हमने x माना हुआ इस डायरेक्शन को, तो आप x ले लीजिए. ये तब के लिए वैलिड होता है जब हम क्या करते हैं कि आपका इनिशियल डिस्टेंस x डायरेक्शन में कुछ नहीं दिया हो या वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अगर रेफरेंस लिया तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया कि बॉल जो आपका 25 मीटर के हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है ना. तो एक्स नॉट इज गिवन, ये एक्स नॉट आपको गिवन दिया, तो आपका जो है थर्ड इक्वेशन है ये थोड़ा सिंप्लीफाइड होगा, हो जाएगा. इसमें वी स्क्वायर इजकल टू हम लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax माइनस ऑफ एक्स नॉट, ठीक है. तो आप सब वैल्यू का यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया आपका 0, यू की वैल्यू आपका 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है माइनस टेन, ठीक है, -10. एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, एक्स आपको यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, एक्स क्या है कि ये बॉल कितने हाइट तक गया हुआ है ग्राउंड से, हाइट इतनी है, ये आपका एक्स है, ठीक है, ये एक्स है. और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका एक्स नॉट है, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, ठीक है. तो एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट, ठीक है. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये एक्स नॉट की जो वैल्यू आपका है
आपको एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये जो एक्स नॉट की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक्स नॉट की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 25, तो 25 यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स जो है, एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, एक्स की 45 मीटर आ गया। इसका मतलब बॉल ग्राउंड से कितने हाइट पर है, ठीक है, ये 45 मीटर यहाँ से यहाँ तक जो जाने में आपको जो है ना, यहाँ पे बॉल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से 45 मीटर है, 45 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा, फिर 45 मीटर से वो नीचे की तरफ गिरना चालू होगा। छत से कितने हाइट पर है, छत से आपको 20 मीटर के हाइट पर है, तो आपको ये हो गया हाउ हाई द बॉल विल राइज, तो आप देखोगे 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, और 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। तो आप ये पाला को आंसर हो गया। अब इस दूसरा प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने के लिए इसमें पूछा जा रहा है कि अब टाइम कितना लगेगा बॉल को यहाँ से आपको बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो आप इसको, इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में आप कर सकते हैं। पार्ट वन में आपको जो मेथड वन मैं बताऊंगा उसमें आप पहले टॉप से लेकर के बॉल जब फेंका जा रहा है उसके बाद मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसमें जो टाइम लगता है उसको आप T1 मान लेंगे, फिर यहाँ से बॉल को नीचे तक आने में जो टाइम लगेगा उसको आप T2 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आपको आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम प्रॉब्लम को दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। जो पहला जो आपका मेथड है, ठीक है, उसमें हम लोग T1 निकालते हैं और फिर वो दूसरे पार्ट में हम लोग उसको T2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर T1 और T2 हम लोग क्या करेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे, तो टोटल आपको टाइम पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेथड वन हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जो मेथड वन है, मेथड वन में आपको दिया हुआ है, मेथड वन में, मेथड जो वन है उसमें आपको क्या करना है कि पहला इक्वेशन यूटिलाइज करना है। अगर बॉल यहाँ से फेंका जा रहा है, यहाँ से जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन है, फाइनल वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग जो आपका काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। वी इक्वल टू आपको हो गया यू प्लस ऑफ एटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, -10। ठीक है, इनटू टी, ठीक है, टी है तो इसको T1 लिख लीजिए, तो इससे आपको T1 कितना आ जाएगा, T1 इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये आपको आ गया T1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ से यहाँ तक हाइट, यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको डिस्टेंस के बारे में पता है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पता है, ठीक है, और हमें टाइम निकालना है, तो आपको जो है काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो एक्स देखिए क्या है, आप ग्राउंड को आपने रिफरेंस माना हुआ है, तो एक्स जो है आपको निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 45। टोटल हाइट कितनी हो गई है, 45 निकाला था मैंने भी, ये 45 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो -10 हो गया, इंटू टी स्क्वायर, टी को आप लिखते T2 लिख लीजिए, T2 टाइम लग रहा है, T2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 90 हो गया, तो ये 9 हो गया, तो T2 स्क्वायर इजकल टू आपको हो गया 9। दिस इम्प्लाइज T2 इजकल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो आपको T2 आपको पता लग गया, T1 आपको पता लग गया। ठीक है, तो आप T1 और T2 को आप सिंपली ऐड कर दीजिए, तो T1 प्लस T2 जो टोटल टाइम है इज इक्वल टू आपको हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये दूसरे पार्ट का आपको सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये तो मेथड वन है,
मेथड टू में हम लोग कैसे करेंगे, तो मेथड टू में हम लोग करने का जो मेथड है अभी थोड़ा सा ये सिंपल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आपको आ जाएगा कि हम मेथड टू हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड टू भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं मेथड टू। ठीक है, तो मेथड टू में आपको यहाँ पे मेथड, हाँ मेथड टू में आपको दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमने इसको थ्रो किया था, बॉल को ऊपर थ्रो किया, देन उसके बाद यहाँ आ गया। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग जो भी पैरामीटर है, जो भी हम लोग डिस्टेंसेस है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि इसमें ऑलरेडी इनिशियल डिस्टेंस आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो इनिशियल डिस्टेंस आपको दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग क्या कहें, इसमें आपको जो है ना इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्स नॉट के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको है, हमको टी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये काइनेमेटिक्स सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, क्योंकि हमको एक्स नॉट के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें x क्या है, x की जो वैल्यू है वो आपको कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू इसमें आपको ये हो गया ये ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो माइनस ऑफ दिस वैल्यू, दिस एक्स नॉट की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 25। ठीक है ना, 25, तो ये हो गया माइनस ऑफ 25। ठीक है, u की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 t। ठीक है, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है -10, दिस इज द -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 20 t -5 t स्क्वायर। ठीक है, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 t स्क्वायर -20 t -25 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, या इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 t। ठीक है, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या होगा, टी प्लस 1। ठीक है, देन दिस वन इज द टी माइनस ऑफ 5। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टी की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है और टी की वैल्यू 5 हो सकती है, तो माइनस तो कभी हो नहीं सकता है। तो ये टी जो है ना कितना होगा, ये 5 सेकेंड, तो टाइम जो आपका होगा वो कितना 5 सेकेंड हो जाएगा। टी जो टोटल टाइम जो इसको आपको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइमिंग लगेगा वो आपको कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान, एक चीज़ आप ध्यान देना कि आपका जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन में हमने जो डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, क्योंकि ग्राउंड को हमने रेफरेंस लिया हुआ था, और फाइनल जो आपका है बॉडी है ग्राउंड में ही आया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 हो गया है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है -25। इधर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, -25। ठीक है, तो हमने यहाँ, इसलिए हमने यहाँ पे 0, इसको 0 कंसीडर किया हुआ है। तो आप टी इक्वल टू इसको 5 सेकंड आप कर सकते हैं। ठीक है,